हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लास्ट टाइम मैंने आपको अगेंस्ट किंग्स गैम्बिट के बारे में बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत सारे वेरिएशन एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो लास्ट वीडियो देखना मत भूले। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डच स्टोनवॉल के सामने कैसे खेल सकते हैं, हाउ टू प्ले अगेंस्ट डच। दोस्तों हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो हाउ टू प्ले अगेंस्ट डच के बारे में बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग वाली लाइन बताई थी, और वो लाइन भी आप यूज कर सकते हो। आज मैं दूसरी भी अटैकिंग लाइन उसी के सामने, डच स्टोनवॉल के सामने बताने वाला हूँ। तो पहले वाली जो लाइन है उसमें मैंने कुछ ऐसे मूव्स बताए थे, d4 और f5, देन नाइट f3, e6, देन h3। और आपको याद होगा कि यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस वाली लाइन हमने देखी थी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है वाइट के लिए। आज मैं एक और भी वेरिएशन बताऊंगा आपको, एक और भी लाइन नई सीखने को मिलेगी आपको अगेंस्ट स्टोनवॉल डच। d4 f5, यहाँ से शुरू होता है डच स्टोनवॉल। यहाँ पे एक जबरदस्त अटैकिंग मूव है e4। यहाँ पे e4 और मोस्टली ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट f6, e5। ये जो बेसिक मूव है नाइट f6, पॉन टेक्स पॉन कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है वाइट के लिए, बहुत ही जबरदस्त अटैक होगा इसमें। f3 करके पॉन टेक्स, देन नाइट डेवलप होके यहाँ पे ऊपर से वाइट के पास अटैकिंग होगा। अगर ब्लैक ने पॉन एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल यहाँ f3 करके आप गेम खेल सकते हो, देन नाइट f3, और ये टोटली व्हाइट के फेवर में बहुत अटैकिंग है। तो यहाँ पे कोई प्लेयर, ब्लैक प्लेयर एक्सचेंज नहीं करता, नाइट f6 ही करता है मोस्टली। यहाँ आपको रिप्लाई देना है e5। अब यहाँ पे नाइट e4 एक ये वेरिएशन है, और दूसरा जो है नाइट d5, दो चॉइस है। तो दोनों चॉइस में आपको क्या रिप्लाई देना है, नाइट e4 में आपको क्या करना है। नाइट e4 में सिंपल f3, और इसके बाद कंप्लीटली ब्लैक का नाइट ट्रैप हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट के पास कोई जगह नहीं है। अगर नाइट d5 किया इसे, सपोज नाइट d5 किया, तो यहाँ पे आपको करना है c4 के बाद नाइट b6, बिशप g5। अब ये पोन आपने स्टॉप कर दिया, जो मूव ही नहीं कर पाएगा। h6 ये ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चेकमेट आता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट लाइन है, बहुत ही शॉर्ट। फिर से देखते हैं दूसरी भी लाइन इसमें है, d4 f5 देन e4, और यहाँ पे अगर किसी ने एक्सचेंज कर लिया तो e4 में, f क्रॉस e4 में यहाँ आपको खेलना है नाइट c3, ना कि f3। नाइट c3 इज अ बेस्ट। नाइट f6 रिप्लाई देगा, ब्लैक अपने पॉन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको करना है बिशप g5, फिर से डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर की थ्रेट है, बिशप टेक्स नाइट की थ्रेट है। अगर ब्लैक ने यहाँ पे पॉन को d5 करके सपोर्ट किया तो ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर मूव है, बहुत ही बड़ी ब्लंडर मूव, क्योंकि बिशप टेक्स f6 के बाद g f6 और e f6 दोनों ही ट्रैप है। ध्यान रखिए, फिर से बहुत मजा आएगा इसमें दोस्तों। नाइट c3 के बाद, सॉरी यहाँ पे f3 मैंने बताया था लेकिन वो गलत है, यहाँ पे नाइट c3 परफेक्ट मूव है। नाइट f6 और यहाँ पे बिशप g5 के बाद d5 ब्लंडर है। ध्यान रखिए d5 क्यों ब्लंडर है, बिशप टेक्स f6 तुरंत मारना है। अब यहां से शुरू होती है दोनों टाइप की लाइन। अगर g क्रॉस f6 तो क्वीन h4 चेक, और यहां किंग d7 और सिंपल क्वीन टेक्स d5 चेक। बहुत ही बढ़िया तरीके से व्हाइट ये गेम जीत सकता है। अगर e क्रॉस f6 किया तब क्या करना है, यहां भी क्वीन h5 चेक, g6 नेचुरल मूव है यहाँ पे, और यहाँ क्वीन टेक्स d5, आफ्टर क्वीन टेक्स d5 नाइट टेक्स d5 और c7 पे जबरदस्त प्रेशर है, जिसका रिप्लाई क्या दे सकता है ब्लैक। जैसे कि यहाँ पे बिशप d6 में सिंपल नाइट f6 होता है, किंग d8 में बिशप f5, किंग डी एट में नाइट f6, आफ्टर नाइट f6 ब्लैक खेलेगा बिशप f5, e4 पॉन को प्रोटेक्शन और डेवलप के साथ वाली मूव है।
तो बिशप f5 में रिप्लाई देना है नाइट e2, नाइट c6, काउंटर अटैक ऑन दिस पॉन, और सिंपल नाइट g3 आफ्टर बिशप g7, नाइट टेक्स e4, re8। आप ये नाइट से लेना है, सॉरी नाइट टेक्स e4, re8 से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सिंपल f3 करके इसे डिफेंड कर लेना है। आफ्टर नाइट d4 लॉन्ग कैसल, किंग e7, देन c3, और ये कंप्लीटली व्हाइट की फेवर में है गेम। अब ये पोजीशन में आप एक पॉन प्लस भी हो गए। तो दोस्तों इतनी छोटी सी लाइन मैंने आज बताई आपको, बहुत ही मजेदार लाइन है, फिर से देख लेते हैं। e f5 और g f5 तो मैंने बताया आपको पूरी ब्लंडर है। e f5 के बाद चेक देना है, क्वीन d5, क्वीन क्वीन एक्सचेंज होने के बाद किंग d8, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है किंग d8। आफ्टर नाइट a6 ये ब्लंडर है, सॉरी किंग d8 देन फोर्स मूव नाइट f6, बिशप f5 इसलिए कि अभी नाइट e4 की थ्रेट है। तो बिशप f5, यहाँ पे नाइट e2, बिशप जैसे कि नाइट e4 पे थ्रेट है, लेकिन नाइट g3 के बाद बिशप g7, यहाँ पे आपको नाइट f×e5। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 3 4 और 3 7 पॉन है आपके पास, 2 पॉन 5 पॉन ब्लैक के पास है। सो सिंपली आप एक पॉन, दो पॉन अप है, लेकिन एक पॉन आपका देना है वापस। आफ्टर रुक e8 f3, आफ्टर नाइट टेक्स e4 एंड देन कैसल, कैसल के बाद किंग e7। क्यों किंग e7? कि यहाँ पे नाइट पिन है, नेक्स्ट हम c3 करके पीस प्लस हो सकते हैं, इसलिए किंग e7 या तो किंग c8। किंग c8 से ज़्यादा किंग e7 बेटर मूव है ब्लैक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा भी फायदा होता है, किंग e7 से ये वाला रुक भी ओपन होता है। तो ये सारे फोर्स जैसे मूव हैं, फोर्स मूव नहीं है लेकिन फोर्स जैसे मूव है। यहाँ पे c3 के बाद नाइट c6 ये नेचुरल मूव है, और इस पोजिशन में सिंपली वाइट काफी अच्छी तरह से ये गेम कंट्रोल कर सकता है, जीत सकता है, क्योंकि अभी भी आप एक पॉन प्लस रहते हो और पोजिशनली भी टोटली स्ट्रांग है वाइट। तो दोस्तों ये गेम अगेंस्ट द स्टोन वॉल, ये मेरी दूसरी लाइन मैंने आपको बताई है आज। तो इससे पहले वाली लाइन आपको पसंद आए तो वो लाइन आप कर दीजिए, मेरे पुराने वीडियो आप सर्च करके देख लीजिए कि अगेंस्ट द स्टोन वॉल, तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा, जिसमें मैंने h3 g4 अटैक बताया था, और यहाँ पे मैंने एक नया अटैक बताया है डायरेक्ट e4 पॉन। तो दोस्तों ये दोनों तैयार करके आप किसी भी तरीके से डच स्टोन वॉल के सामने खेल सकते हो। अगला वीडियो मैं जल्द ही पेश करूँगा, तब तक के लिए आपको चैनल से जुड़ा रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बहुत सारी ओपनिंग आपको, अभी बहुत सारी ओपनिंग सीखनी है, बहुत सारी ओपनिंग वन बाय वन, मेरे पास इतना ज़्यादा ओपनिंग का भंडार है, मैं आप सबको बहुत ही अलग अलग लेवल की ओपनिंग सिखाऊंगा, न्यू ट्रैप्स भी आपको सीखने को मिलेगी। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, जय गुजरात।